माहिराज कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए टिक्का बोटी मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। टिक्का बोटी मसाला घर के मसाले से बेतहाशा मज़ेदार और आसानी के साथ बन जाता है। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी अमेजिंग रेसिपीज़ हैं। इसके अलावा बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुँच जाएगी। मेरी इस वीडियो को थम्स अप दीजिए। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। टिक्का बोटी मसाला और टिक्का मसाला में बहुत ही कम चीज़ों का फ़र्क है, तो मैं पहले आपको फ़र्क समझा देती हूँ। टिक्का बोटी मसाला में मैं कचरी पाउडर डाल रही हूँ, लेकिन टिक्का मसाला में कचरी पाउडर नहीं डलेगा, क्योंकि चिकन टिक्का मसाला में कचरी पाउडर की ज़रूरत नहीं है। चिकन का टिक्का वैसे ही बहुत जल्दी मैरिनेट हो जाता है, तो हम कचरी पाउडर हटा देंगे और इसकी जगह फूड कलर इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा, तो बस ये टिक्का मसाला बन जाएगा। और अगर आप कचरी पाउडर डालेंगे और फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये टिक्का बोटी मसाला बन जाएगा। इसके मसालों में हमें जो चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी है, उसमें 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 4 छोटी इलायचियाँ, 6 लौंगें, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3-4 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े, बड़ा हो तो सिर्फ 1 लीजिएगा, 8 साबुत लाल मिर्चें गोल या लंबी जो भी आपके पास हो, 1.5 पिपली, 1 छोटी 1 बड़ी ले लीजिएगा, 1/4 जायफल, 1 जावित्री का फूल और 8 से 10 कबाब चीनी, ये चीज़ें जाएंगी। उसके अलावा पाउडर मसालों में 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर, 1 टीस्पून चोटीदार भर के नमक या हसबे जायका यूज़ कीजिएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चुटकी टार्टरी। ये 1/4 टीस्पून का भी मैंने हाफ यूज़ किया, तो टार्टरी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिएगा, लेकिन टिक्का मसाला जब आप बनाएं चिकन टिक्का मसाला तो उसमें 1/4 टीस्पून ही यूज़ कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ये सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से धीमी आंच पे फ्राइंग पैन में रोस्ट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसका पाउडर बना लूँगी। तो देखिए, मैं धीमी आंच के ऊपर इसको भून रही हूँ और ये कलर जो है इनका चेंज हो गया है, बिल्कुल भी ये जलने नहीं चाहिए, बस ये अच्छे तरीके से भून गए। तकरीबन 1 मिनट लगा इनको सिर्फ भूनने में। तो अब हम इसे ग्राइंडर में डालेंगे और उसकी ड्राई मिल में इसे पाउडर बना लेंगे। अगर आपका एक दफ़ा में पाउडर अच्छा बारीक ना बने तो आप उसे छान के दोबारा भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये मसाला सारा मैंने पीस लिया, अब इसके अंदर ये कचरी पाउडर चला जाएगा और तमाम ये ड्राई स्पाइसेस चले जाएंगे और आप मिर्ची अपने हिसाब से कम तेज कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम इसे मिक्स करेंगे, एक दफा इसे छान लें और इसके अंदर जो मोटे मोटे पीसेस हैं उन्हें एक दफा फिर से दोबारा ग्राइंड कर लें। तो मैं इसे छान के और दोबारा ग्राइंड करके बारीक करके बिल्कुल फिर आपको दिखाऊंगी। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार, सिंपल और इजी टिक्का बोटी मसाला बिल्कुल रेडी है। मैंने आपको इसी मसाले को चिकन टिक्का मसाला में कन्वर्ट करना भी इसी वीडियो में बता दिया है, तो आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको बनाना हो तो इसे ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे भी चेक कर लीजिए, वहाँ काफ़ी रिटन रेसिपीज़ होती हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।